फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ बेनिफिट्स एंड डीआईवाई रेसिपीज बाय सोनाली को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कस्टर्ड का हलवा। ये हलवा बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो फटाफट आप 5 मिनट में इस हलवे को बनाकर खा सकते हैं और आप इसे फ्रिज में रखकर एक हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं। तो चलिए कस्टर्ड हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो कस्टर्ड हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पर मैंने आधा कप कस्टर्ड पाउडर लिया है। इस कस्टर्ड पाउडर को हम बाउल में डाल देंगे और अब मैं डाल रही हूँ आधा कप चीनी। जितना आपने कस्टर्ड पाउडर लिया है उतनी ही आप इसमें चीनी का यूज़ करिएगा। चीनी को भी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डालेंगे और चीनी को अच्छे से मिक्स होने देंगे और कस्टर्ड को भी इसमें अच्छे से मिक्स होने देंगे। और इसे तब तक मिक्स करना है जब तक आपकी चीनी बिल्कुल डिसॉल्व ना हो जाए और कस्टर्ड पाउडर भी अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो टोटल मैंने यहाँ पर एक ग्लास पानी का यूज़ किया है। अब ये मिक्सचर हमारा रेडी है, चीनी अच्छे से घुल गई है। अब इस मिक्सचर को हम साइड में रख देंगे और अब हम कस्टर्ड हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। घी के मेल्ट होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 6 से 7 काजू जिन्हें मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो कोई और ड्राई फ्रूट्स का भी यूज कर सकते हैं लेकिन कस्टर्ड हलवे में काजू का ही मेन यूज किया जाता है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है हलवे में। तो इसे हल्का सा फ्राई करेंगे और अब जो हमने मिक्सचर बनाकर रखा था उसे एक बार अच्छे से चला लेंगे क्योंकि कस्टर्ड पाउडर नीचे बैठ जाता है। और इसे चलाने के बाद धीरे धीरे करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे और पूरा मिक्सचर ऐड करने के बाद इसे लगातार चलाते रहेंगे और गैस को हमें मीडियम रखना है। इसे हमें लगातार चलाना है नहीं तो जो कस्टर्ड है वो जल जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें पर इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब हमें इसे लगातार चलाना है। आप 2 से 3 मिनट में ही देखेंगे कि जो आपका मिक्सचर है वो गाढ़ा होने लगेगा। इसे हमें अभी भी लगातार चलाते रहना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और एकदम इकट्ठा होकर पैन से अलग ना हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं मिक्सचर हमारा पैन से अलग हो गया है और इससे घी भी अलग हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और हमारा हलवा बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने एक केक का मोल्ड लिया है जिसे मैं ऑयल से ग्रीस कर लूंगी जिससे जो हमारा हलवा है वो इसमें चिपके ना। आप कोई भी बर्तन का यूज कर सकते हैं। और अब अपना हलवा हम इसमें डाल देंगे और इससे अच्छे से स्पैटुला से मैं दबा दे रही हूँ और एक सा कर दे रही हूँ जिससे हम इसके आराम से पीसेस काट सकें। और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद इसे फ्रिज में रखकर आधे घंटे के लिए हम ठंडा होने देंगे। आधे घंटे बाद ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो पहले एक नाइफ की हेल्प से मैं इसके पीसेस काट रही हूँ। आप अपने मन से कैसे भी पीसेस काट सकते हैं। तो अब इस बाउल को एक प्लेट पे उल्टा कर देंगे और ये देखिए हमारा कस्टर्ड हलवा पूरा ऐसे एज इट इज निकल आया है। और ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना ट्रांसपेरेंट दिख रहा है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे एज इट इज भी सर्व कर सकते हैं और बाद में भी इसे काट सकते हैं या फिर आप इसे पीसेस में भी सर्व कर सकते हैं। जो हमने पीसेस काट कर रखे थे वो निकाल कर दिखाती हूँ मैं आपको। हमने इस पे कट लगा लिया था इसलिए इसका जो पीस है वो आराम से अलग हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा हलवा बना है, कितना शाइनी दिख रहा है ये। और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, सभी को ये बहुत पसंद आता है। आप भी एक बार घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमेशा की तरह मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे दिए वीडियोस को क्लिक कीजिए, आप वीडियो तक पहुंच जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।